तमिलनाडु के गौरव पवित्र सेंगोल की भारत की पार्लियामेंट में स्थापना करवाई तो डीएमके पार्टी ने उसका भी बायकॉट किया था कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। यूनाइटेड नेशंस में तमिल भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी तमिल विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। मेरे इन प्रयासों के बीच डीएमके की सच्चाई क्या है, मैंने जब संसद में तमिलनाडु के गौरव पवित्र सेंगोल की भारत की पार्लियामेंट में स्थापना करवाई तो डीएमके पार्टी ने उसका भी बायकॉट किया था। साथियों, कांग्रेस और डीएमके पार्टी के एक और पाखंड की चर्चा आज पूरा देश कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में यह निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को यह सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, पांच मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। साथियों, मेरे मन में बेलूर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का सीएम था तब भी मैं श्रीपुरम नारायणी मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। डीएमके और इंडी गठबंधन महिलाओं के अपमान में भी पीछे नहीं है। इन्होंने अम्मा जयललिता के साथ कितना गलत व्यवहार किया था, आज भी डीएमके नेता महिलाओं के अपमान में कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, ये तो यही वेलूर के लोगों ने ही देखा है। बीजेपी को एनडीए को दिया आपका आशीर्वाद सनातन शक्ति की रक्षा करेगा और
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।